गुना जिले में हुए भीषण बस अग्निकांड के बाद इंदौर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। कलेक्टर आशीष सिंह के आदेश पर राजस्व और परिवहन विभाग की टीम ने बुधवार को किशनगंज थाना क्षेत्र के टोल नाके पर उपनगरीय बसों की चेकिंग की, जिसमें फिटनेस बीमा और कागज प्रस्तुत नहीं करने पर चालानी कार्रवाई की गई। इस दौरान आरटीओ की टीम ने स्कूल बसों को भी चेक किया है। इस दौरान महू तहसीलदार विवेक सोनी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। परिवहन विभाग के संयुक्त रूप से वो पुलिस प्रशासन के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई। गाड़ियों के फिटनेस चेक किए जा रहे हैं और गाड़ी की रॉयल्टी, जैसे अभी दो डंपर में मिले जिनमें रॉयल्टी नहीं थी, तो उसकी भी कार्रवाई। सर आरटीओ भी कार्रवाई कर रहा है? आरटीओ साहब कार्रवाई। सर अभी तक कितनी बसें आपने चेकिंग में पाई कि इनकी फिटनेस? 14 से 15 बसों पर चलानी कार्रवाई की गई है और जितनी भी गाड़ियाँ इसमें थी सबको चेकिंग। कुछ स्कूल की बसें भी सर यहाँ पकड़ी? हाँ, स्कूल की बसें भी चेकिंग। इनकी फिटनेस कुछ मिले हैं स्कूली बसों के? जिनके फिटनेस नहीं, उनकी कार्रवाई हो रही है, उनकी जब्ती कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है।